हमारी एपिसोड की शुरुआत में इवासी एंकम्बर ने ट्रंक्स को जबट के पकड़ा होता है। इससे पहले इवासी एंकम्बर ट्रंक्स को फिनिश कर पाता। इसी में वेजिटो ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके की ब्लास्ट को बड़ी बहादुरी से रोक लेता। और दूसरी तरफ व्यू ये सब कुछ देख रहा होता है और बस मजे से बैठ के पूरी लड़ाई को एंजॉय कर रहा होता। और जब वेजिटो ने इस ब्लास्ट को रोका होता है तो इसी में इवासी एंकम्बर ने भी डैमेज ली होती है। वेजिटो ट्रंक्स से कहता है, ओए ट्रंक्स क्या तुम ठीक हो? इस पर ट्रंक्स हाँ कहता है। ये सुनते ही वेजिटो इवासी पे टूट पड़ता। दोनों बड़ी तेजी से लड़ने लग जाते हैं। वो तो आरा रिंग से ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी इवासी एंकम्बर वेजिटो पे भारी पड़ने लग जाता। इन सब के बावजूद भी इवासी काफी इंप्रेस होता है और इसी बात पे इवासी कहने लगता है, मुझे हैरत है कि मुझे मेरी टक्कर का कोई दुश्मन मिला। तुम जैसों को मारने में मुझे मजा आता है। ये कहते ही वो अपनी की से किला बना लेता और अपनी की से वेजिटो पे वार शुरू कर देता। इसी में उसकी की वेजिटो को हिट कर जाती। अब व्यू के साथ साथ कूलर भी इस लड़ाई को एंजॉय कर रहा था और इवासी से लड़ने के लिए वेजिटो ब्लू के ऊपर कयोकेन ले आता। देखते ही देखते दोनों दोबारा से एक दूसरे पे टूट पड़ते और इस लड़ाई की दूसरी तरफ माई ट्रंक्स को यहाँ से दूर लेके जा रही होती है। मगर ट्रंक्स को काफी फिकर हो रही होती है कि इवासी की की अभी भी काफी बड़ी होती है और हमें दोनों के बीच में एक बराबरी का मुकाबला देखने को मिलता। और कूलर देखता है दोनों की वजह से उस चेन पे क्रैक आने लग जाते हैं। मगर फ्यू इनकी लड़ाई में बहुत बिजी होता है। लड़ते लड़ते दोनों के बीच में थोड़ा फासला हो जाता। इसी मौके में इवासी बहुत बड़ा की ब्लास्ट बना लेता। ये देखते ही वेजिटो हैरान हो जाता और एकदम से पीछे होने लगता। और इस बार इवासी का ब्लास्ट पहले से भी काफी ताकतवर होता। मगर वेजिटो भी रेडी होता है अपने फाइनल मूव के लिए। इसी में वेजिटो अपना फाइनल कामेहामेहा रेडी कर रहा होता है। दौरान से दोनों एक दूसरे पे अपने स्पेशल मूव से वार करते हैं। दोनों उसमें अपने सर से पैर तक जोर लगा लेते हैं। मगर कहीं जाके वेजिटो का स्पेशल मूव उसके स्पेशल मूव को ओवर पावर करने लगता। मगर इवासी एंकम्बर भी हार ना मानता और वो भी लगा रहता। इसी में इवासी का मूव वेजिटो के स्पेशल मूव पे भारी पड़ने लगता। यहाँ पे वेजिटो के काफी पसीने छूटने लगते हैं। इसी में ही इवासी एंकम्बर का मूव वेजिटो के मूव को कम्प्लीटली ओवर पावर कर देता। मगर देखते ही देखते सूरत हाल एकदम से पलट जाती और इसी में ही वेजिटो फिर से उसके मूव को ओवर पावर करने लग जाता और इसी वजह से चैन टूटने लग जाता। इससे पहले वेजिटो का स्पेशल मूव से हिट करता, वो अपनी की से उसके स्पेशल मूव को जुटला देता जिसके इम्पैक्ट से वेजिटो पीछे जाने लगता। ओए, आज तुम्हें मैं अपने हाथों से दफन करूंगा, इसे तुम अपनी खुशनसीबी समझो। यूं ही देखते ही देखते इवासी अपनी सयन एबिलिटी का इस्तेमाल करता और गोरिल्ला में बदलने लगता। ये देखते ही सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इससे पहले वो गोरिल्ला का बिलावार उन्हें हिट करता, वो दोनों अलहदा हो जाते क्योंकि उनकी की खत्म हो गई होती है। इसी तरह इवासी रैम्पेजिंग में चला जाता। इसी वजह से जंजीर टूटने लग जाती है और ना कि सिर्फ जंजीर बल्कि प्रिज्म प्लैनेट भी डैमेज लेता है। और ये पल फ्यू के लिए सबसे ज्यादा एंजॉयबल होता जिसपे वो उनकी मजीद फाइट देखना चाहता होता है। और यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।